बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, कल वाले व्लॉग में मैं बोला था कि कल के मींस आज वाले व्लॉग में हम लोग बातचीत करेंगे समथिंग अबाउट मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो अपना हेलमेट आ गया, हेलमेट आ गया भाई। अबे भाई, तू सब चीज लेके क्यों नहीं बैठता? ओके, सो ये है अपना हेलमेट और लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जे होल्ड मंगवाया था ऑनलाइन। इसके साथ और भी काफ़ी सारे एसेसरीज मिले थे इसको, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। बाकी जो अभी काम है उसको पहले बता देता हूँ मैं। सो मैंने पहले ये किया कि इसे अपना सेप दे दिया है, मीन्स ये एमसील मैंने साइड साइड में लगा दिया हूँ। और बीच में दो स्क्रू लगे हैं मेरे में, हालांकि स्क्रू लगाने का उतना नहीं था बट मैं सेफ्टी के लिए लगा दूँ। और यहाँ पे एमसील लगा दूँ ताकि ये गिरे ना और एक सपोर्ट बना रहे। ओके ओके, तो उसके बाद की जो एसेसरीज के बारे में बात कर रहा था, तो इसके जे होल्ड के साथ मेरे साथ और भी काफ़ी सारे एसेसरीज हैं। ये सब मैं यंत्रालय से मंगाया था, मीन्स कंपनी है। और ये एक मिला था सिंगल होल्डर टाइप का है, ये भी बड़ा वाला होल्डर है। इससे काफ़ी सारे ऐसे सारे स्क्रू ड्राइवर्स मिले थे, नट बोल्ट काफ़ी सारे मिले थे इसमें। और ये एक और एक प्लेट उसमें लगा है जो कि थोड़ा सा कर्व है, क्योंकि मेरा हेलमेट भी कर्व हेलमेट है तो थोड़ा सा वो कर्व लगा दिया हूँ। ये प्लेन है, ये आपका बाइक के टैंक वैंक पे चिपकाने के लिए लगा सकते हो। इसके साथ 3mm का VHB टेप मिल जाता है आपको चिपकाने के लिए, और कुछ खास नहीं होता नहीं है बस। तो इसके साथ काफ़ी सारे ऐसे तरी और मंगवाने पड़ते हैं जो इसे काम के हैं, तो उसके पास जाते हैं अपन लोग। जो भी एसेसरीज है सब डिस्क्रिप्शन डाउन में लिंक दे दिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लो। अगर बाय करना है तो बाय भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई मोटो व्लॉगिंग सेटअप करना है तो ये देख के आप आसानी से कर सकते हैं विदाउट एक GoPro। सो मेरे पास कोई GoPro नहीं है, ना ही कोई एक्शन कैमरा है। सो मोबाइल से अपन लोग करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग के माइंड में भी रहता है कि मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग हो सकता है कि नहीं। इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट इज पॉसिबल, मीन्स काफ़ी जगह मैं देखा हूँ, काफ़ी लोग दिल्ली NCR काफ़ी जगह में करते भी हैं, बट थोड़ा रिस्की रहता है, गिरने वाने का चांस रहता है। बट ये जुगाड़ा अगर आप करेंगे तो नो चांस, कोई डैमेज नहीं होगा फ़ोन को, गिरने का भी चांसेस नहीं है इसमें। इसके साथ मैं एक मंगवाया था, ये एक स्लोविक का मोबाइल होल्डर, ताकि और ये तीनों साइड से मोबाइल को कैच कर रहता है तो मोबाइल का गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, तो ये तीनों एरिए से मीन्स तीनों साइड से मोबाइल को कवर कर रहता है तो चांसेस बहुत कम ही हो जाते हैं गिरने के मोबाइल के। सो लेट्स डू इट और इसे लगा के देखते हैं इसमें। हाँ, और मेन चीज़ ये है, ये क्या इसे बोलते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये एक होल्डर टाइप का रहता है, ये मंगवाना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी कमी जगह मिल रहा है। ऑनलाइन में मैंने बहुत सर्च किया था, नहीं मिल रहा था और काफ़ी मुश्किल से मुझे मिला। लिंक दे दिया हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर वाइड कर सकते हो। सो इसके बिना सब काम अधूरा है भाई साहब। सो यहाँ पे हेलमेट के यहाँ पे ये लग जाएगा ऐसे, और एक स्क्रू टाइट कर दो उधर पे, एक स्क्रू टाइट कर देना इधर पे, और गर्मी बहुत है भाई साहब कसम से, स्क्रू टाइट कर देंगे। और ये मोबाइल होल्डर जैसे है, इसको मैं ओपन इट कर देता हूँ। हालांकि मेरा मोबाइल काफ़ी हैवी है बट मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, गिरना ना भाई, तो हिल नहीं रहा है तो गिरेगा क्या, गिरने के चांसेस तो बिल्कुल ही कम है गिरने के चांसेस। और ये कुछ इस तरफ से टाइड अप हो जाता है और इसके गिरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बिकॉज इट कैच अप फ्रॉम द 3 sides। अराउंड 2 दिन हो रहा होगा ये सब आ चुका है और ये सब मैं बना चुका, बट मेन मसला अभी ये हुआ कि कल से है लॉकडाउन, अभी मैं टेस्टिंग कुछ नहीं कर पाया इसका। मुझे इसका टेस्टिंग करना था, एक राइड प्लान करना था, मैं अभी 150-150 किलोमीटर का भी एक प्लानिंग कर रहा था, बट सब मसले आ गए हैं, लॉकडाउन फिर से आ रहा है। सो देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जब लॉकडाउन खुलेगा एक लॉन्ग राइड करेंगे, 150-150 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, और इसको टेस्टिंग करेंगे, सब चीज़ देखेंगे, फिर अपना मोटो व्लॉगिंग चालू होगा भाई साहब। और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, राइट।
तो कोई इस तरह से हो जाता है अपना सेटअप मोटो ब्लॉगिंग वाला। और आई होप सबको दिख रहा होगा उधर से, एंगल पता नहीं क्योंकि मेरा फ्लिपेबल स्क्रीन नहीं है तो मेरे को एंगल पता नहीं चल रहा होगा, बट मैं जो एंगल सेट करके आया हूँ वो तो आ ही रहा होगा आई होप सो। और गर्मी की बात तो करो ही मत भाई साहब, कितनी गर्मी दिख रहे हो। अभी 10 मिनट हो रहा है वीडियो बनाते हुए, बिक गया तुम्हारा भाई पूरा। ओके तो ये कुछ है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप फॉर द फ्यूचर फॉर सम डेज, मीन्स आगे कुछ दिनों में मोटो व्लॉगिंग चालू करेंगे तो ये कुछ सेटअप रहेगा हमारा। थोड़ा सा हैवी लगता है, अनकम्फर्टेबल भी लगता है थोड़ा सा, बट फिर अगर आपको कुछ करना ही है तो ये सब तो जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर जुगाड़ में हो रहा है तो फिर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर GoPro होता तो GoPro भी अराउंड इतना हैवी हो ही जाता है, क्योंकि हालांकि मेरे मोबाइल का थोड़ा वेट ज़्यादा है करके इट क्वाइट हैवी, बट काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल भी हैं जो कि इसके हैवी नहीं है, तो लाइट वेट मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। मेरा भी हालांकि Note 8 Pro है, ये काफ़ी हैवी है, ये भी चल रहा है इसमें, बाकी सब इसमें बढ़िया है। और इसमें अपन लोग मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, बाकी मिलते हैं व्लॉग में आपको। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे मोटो व्लॉगिंग कैसे करेगा अब तू मोबाइल में करके, सो उनके लिए वीडियो बनाया भाई। हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने नए नए थॉट्स बता सकते हैं। लॉकडाउन आ रहा है तो कुछ नया कंटेंट भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ करके, जैसे कि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ये चाहिए वीडियो करके। सो यू गाइस कैन ऑल्सो टेल मी सम कॉन्टेंट्स ऑन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, 1500-2000 में आपका मोबाइल अगर है तो 1500-2000 में आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार आता है मोबाइल वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और व्लॉग रेगुलर करना सोच रहा हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या बोलना है, क्या रहा है। और चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।